morning students. So what we had studied in our last class? In our last class we had studied or we had started at chapter number 6th. Okay, हम लोगों ने अपना जो chapter number 6th जो था वो start किया था. और chapter 6th कौन सा था अपना? The दशहरा festival. की दशहरा festival क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी इसके आगे के जो फर्दर अपने जो पैसेजेस थे वो स्टार्ट करते हैं. ओके, टू पैसेजेस हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. नाउ फर्दर पैसेजेस जो हैं वो हम अपनी इस क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, सो ऑन द 10th डे जो मतलब होते हैं ना ड्रामा करने के, 10वें दिन लार्ज एफिगस ऑफ रावण, हिज सन मेघनाद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इलेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड. कि 10वें दिन जिस दिन विजयदशमी होती है या जिस दिन दशहरा होता है उस दिन एक बड़े से मैदान में, ओके, एक बड़े से ग्राउंड में रावण, उस रावण के बेटे मेघनाद और रावण के भाई कुंभकर्ण के तीन मॉडल, मतलब ऐसे मॉडल्स चिपकाए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं. एक रावण होता है, एक मेघनाद होता है, एक कुंभकर्ण होता है. ऐसे तीन ऐसे गंदे से ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं. ओके, दीज एफिक्स आर स्टब्ड विद फायर क्रेकर्स और इन तीनों ही मॉडल्स में फायर क्रेकर्स डाल दिए जाते हैं, मतलब पटाखे इनमें डाल दिए जाते हैं. इन द इवनिंग पीपल बिगेन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स. और शाम को क्या होता है, जिस दिन विजयदशमी होती है उस दिन शाम को क्या होता है, फिर लोग जो हैं वो देखने आते हैं कि रावण दहन कैसा हुआ एंड जो पटाखे थे मतलब जो फायरवर्क्स जो होता है इन द स्काई वो देखने के लिए लोग आते हैं. ओके, फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेसेस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन. इस स्पेशल ओकेजन पर ओके बहुत सारी जगह हैं मेले जो हैं वो लगाए जाते हैं. चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्व्स इन मेनी वेज. बच्चे जो हैं वो बहुत सारे तरीकों से अपने आप का वो इंजॉयमेंट करते हैं. दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस करेक्टर्स. वो लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो करेक्टर्स जो होते हैं उनको वो रोल अप करते हैं. लाइक जैसे राम, हनुमान, राक्षस, यूजिंग मैन मेड पेपर आर्म्स एंड मार्क्स. वो क्या क्या बनते हैं बच्चे इस चीज ये जो मोमेंट होता है ओके कि बहुत सारे बच्चे जो मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ रावण दहन होता है, सब लोग रावण दहन को देखते हैं. वहाँ मतलब फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेला वहाँ लगाया जाता है. बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे से मतलब रोल्स प्ले करते हैं. ओके, जैसे कोई राम का रोल प्ले करता है, कोई हनुमान का रोल प्ले करता है, कोई राक्षस का रोल प्ले करता है. ओके, एंड वो एक जो मतलब नकली बोल सकते हैं ओके फेक जो आर्म आती हैं जो कि पेपर मेडेड होती हैं ओके वो आर्म्स लगा लेते हैं, फेस मास्क लगा लेते हैं कि मतलब कोई हनुमान जी का लगा लेते हैं, कोई राक्षस का लगा लेते हैं. ओके, इस तरीके से वो मास्क वगैरह का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट पैसेज 4th. एट सनसेट, सनसेट के समय राम एंड लक्ष्मण कम इन अ कोर्टयार्ड वेयर विद वानर सेना. कि जो राम और लक्ष्मण जो हैं शाम के वक्त, इसमें जो मतलब कैरेक्टर जो ड्रामा चलता है उसमें राम और लक्ष्मण जो हैं वो एक मतलब रथ में आते हैं. ओके, किसके साथ, अपनी वानर सेना के साथ वो एक रथ में आते हैं. राम शूट्स एरो एट द एफिक्स. और राम जो है वो जो मॉडल चिपकाए होते हैं ना रावण का, मेघनाद का एंड कुंभकर्ण का, उन तीनों पर वो एरो मारता है. द एफिक्स कैचेस फायर एंड बर्न टू एस. जो वो मॉडल्स बनाए होते हैं ओके वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं एंड वो राख में, जल्दी ही वो राख में कन्वर्ट
हो जाते हैं. ओके, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोर इन द एयर. जो फायरवर्क जो होता है, ओके, जो पटाखे वगैरह का जो वर्क जो कंप्लीट होता है, वो पटाखे वगैरह फूट जाते हैं इन द एयर. ओके, एयर में पटाखे वगैरह फूट जाते हैं. पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एरिया में, ओके, कुछ लोग गो टू ग्रीट वन अनदर. कुछ लोग दशहरे के लिए ग्रीटिंग्स देने के लिए जाते हैं, जैसे विजयदशमी मुबारक हो, या मतलब दशहरा मुबारक हो, हैप्पी दशहरा, इस तरह के जो वर्ड्स वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं. इस तरीके से राजस्थान में जो लोग रहते हैं ना, वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. दशहरा जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? दशहरा जो है वो बुरे पर अच्छाई की जीत होने के लिए मनाया जाता है. ओके, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई उस दिन, ओके, इसी याद में वो मनाया जाता है. ओके, बुराई की, बुराई किसको कहा गया है? रावण. अच्छाई राम को. ओके, तो राम ने रावण को मारा था, तो बुराई पर अच्छाई की जीत बताया है. ओके, सो यहां कंप्लीट होता है हमारा ये जो चैप्टर 6 जो है, इसका रीडिंग पोर्शन. ओके, व्हाट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास? इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्टिविटीज एंड आवर टेक्सटुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर एज अ रीडिंग पोर्शन, यू कैन आस्क टू मी. ओके, बाय.